हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहांकुर देशिंग पर। आज हम देखने वाले हैं हाथी पर बहुत सुंदर निबंध। सदा झूमता आता हाथी, सदा झूमता जाता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी। हाथी एक बहुत ही विशालकाय बुद्धिमान प्राणी है। वैसे तो यह जंगलों में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे अपने काम के लिए पास भी रख लेते हैं। वैसे तो हाथी बहुत सीधा जानवर माना जाता है, लेकिन यदि हाथी को गुस्सा आ गया तो वह काफी तबाही मचा सकता है। हाथी मनुष्य के साथ काफी घुलमिल कर रह सकता है। हाथी जंगलों में समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। वह आपस में बहुत कम लड़ते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। हाथी का शरीर विशाल होने के बाद भी वह जंगल का राजा नहीं माना जाता है, क्योंकि हाथी भी शेर से डरता है। हाथी का सबसे प्रमुख अंग उसका सूंड होता है। सूंड उसकी नाक भी है और हाथ भी। हाथी एक संरक्षित प्राणी है, लेकिन बहुत सारे शिकारी हाथियों का शिकार करते हैं। हाथी का दांत निकालकर उसे कालाबाजारी कर बेचते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हाथी मारे जाते हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हाथियों की पूजा भी करते हैं और हाथियों को शुभ भी माना जाता है। पुराने जमाने में हाथी का लड़ाई में उपयोग होता था। हाथियों की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है और लोग अब उसे पाने में असमर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पालना काफी महंगा पड़ता है।